सबसे पहले बात करेंगे तालीम के मैदान से। झटका लगा है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने, पांचवी और आठवीं के नतीजे का ऐलान कर दिया। पहली तीन पोजीशंस में से लाहौर का कोई तालिबान पोजीशन हासिल ना कर सका। जी बिल्कुल, इम्तिहान में 25,77,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि पांचवी का 15,36,000 और आठवीं का 10,41,000 बच्चों ने इम्तिहान दिया था। आपको बताते चलेंगे पांचवी के इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 88%, आठवीं में 87% रहा है और पांचवी जमात में लैया से तूबा मरियम ओकाड़ा से मोहम्मद हमजा की पहली पोजीशन है और पांचवी जमात में मुजफ्फरगढ़ से अली अहमद ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। पांचवी जमात में खानेमाल से मोहम्मद हसनैन ने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि पांचवी में विहाड़ी से अली अजहर मोहम्मद शहीद तारिक ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और पांचवी जमात के इम्तिहान में आपको बताते चलेंगे खानेमाल से मोहम्मद हाशिर ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। जी हां, आपको बता रहे हैं टॉप थ्री पोजीशंस में लाहौर का नाम ही नहीं है। अहम और बड़ी खबर है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पांचवीं और आठवीं के नतायज का ऐलान कर दिया है, जिसमें लाहौर का नाम ही नहीं है। पहली तीन पोजीशंस में से लाहौर का कोई तालिबे इन पोजीशन हासिल ना कर सका। इम्तिहान में 25,77,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिसमें लाहौर का पहली तीन पोजीशंस में नाम आया ही नहीं है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पांचवी और आठवीं के नतायज का ऐलान कर दिया, पहली तीन पोजीशंस में से लाहौर का कोई तालिबे इन पोजीशन हासिल ना कर सका। इम्तिहान में 25,77,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि पांचवी का 15,36,000, आठवीं का 10,41,000 बच्चों ने इम्तिहान दिया था। पांच बच्चों पांचवी के इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 88%, जबकि आठवीं में 87% रहा। बिल्कुल, इम्तिहान में 25,77,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि पांचवी का 15,36,000 और आठवीं का 10,41,000 बच्चों ने इम्तिहान दिया था। आपको बताते चलेंगे पांचवी के इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 88%, आठवीं में 87% रहा है और पांचवी जमात में लैया से तूबा मरियम ओकाड़ा से मोहम्मद हमजा की पहली पोजीशन है और पांचवी जमात में मुजफ्फरगढ़ से अली अहमद ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। पांचवी जमात में खानेमाल से मोहम्मद हसनैन ने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि पांचवी में विहाड़ी से अली अजहर मोहम्मद शहीद तारिक ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और पांचवी जमात के इम्तिहान में आपको बताते चलेंगे खानेमाल से मोहम्मद हाशिर ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। जी हां, आपको बता रहे हैं टॉप थ्री पोजीशंस में लाहौर का नाम ही नहीं है। अहम और बड़ी खबर है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पांचवीं और आठवीं के नतायज का ऐलान कर दिया है, जिसमें लाहौर का नाम ही नहीं है। पहली तीन पोजीशंस में से लाहौर का कोई तालिबे इन पोजीशन हासिल ना कर सका। इम्तिहान में 25,77,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिसमें लाहौर का पहली तीन पोजीशंस में नाम आया ही नहीं है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पांचवी और आठवीं के नतीजे का ऐलान कर दिया, पहली तीन पोजीशंस में से लाहौर का कोई तालिबे इल्म पोजीशन हासिल ना कर सका। इम्तिहान में 25,77,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि पांचवी का 15,36,000, आठवीं का 10,41,000 बच्चों ने इम्तिहान दिया था। पांच बच्चों पांचवी के इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 88%, जबकि आठवीं में 87% रहा।